अगर आप जानना चाहते हैं कि हमेशा खुश कैसे रहें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि असल में खुशी या हैप्पीनेस क्या है। एक शब्द में कहे तो खुशी का मतलब आपके मन और दिमाग की वह स्थिति है जहां कुछ भी करने या पाने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है, या यूं कहे कि आपका दिमाग शांति और संतुष्टि के एक दायरे में चला जाता है। तो अब सवाल यह है कि कैसे आप इस स्थिति से अपने आप को उबार सकते हैं। इसके लिए मैं वो चार जादुई आदतें लाया हूँ जो शरीर, मन और दिमाग को एक बेहतर स्थिति में बनाए रखती हैं। आदत नंबर वन, सुबह जल्दी उठें। जब हम सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है और ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक नया दिन लिए हमारा स्वागत कर रही है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस दिन हम सुबह जल्दी उठते हैं उस दिन हम ज़्यादा खुश और ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। सूर्योदय से पहले उठने के कई फायदे हैं। रचनात्मकता बढ़ती है, मेडिटेशन, योग और व्यायाम के लिए अच्छा समय मिल जाता है। एक सकारात्मक एवं अच्छी शुरुआत होती है। हम पूरे दिन के कार्यों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। आदत नंबर दो, व्यायाम। मेडिटेशन एवं योग से हम मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। शारीरिक रोग के साथ साथ ही हमारे मानसिक विकार भी दूर होते हैं और हम मानसिक रूप से सक्षम बनते हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि मेडिटेशन एवं योग से सारे तनाव दूर किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जिससे वह हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकता है। आदत नंबर तीन, वर्तमान में जिए। वैज्ञानिकों के अनुसार ज़्यादातर लोगों का 70-90% तक समय भूतकाल, भविष्यकाल एवं व्यर्थ की बातें सोचने में चला जाता है। अगर हम अपनी समस्याओं और तनाव के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि 90% तनाव के कारण भूतकाल में या भविष्यकाल में है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में हमें कोई समस्या नहीं है और हमारे तनाव का कारण या तो भूतकाल की कोई घटना या भविष्यकाल का डर है। अगर तनाव का कारण भूतकाल है तो अब उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए व्यर्थ में तनाव लेकर हम अपने ही दिमाग में वायरस छोड़ रहे हैं। यदि अगर तनाव का कारण भविष्यकाल का कोई डर है तो उसका भविष्य तो वर्तमान ही तय करेगा, इसलिए हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए और इसे बेस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ना तो भूतकाल एवं ना ही भविष्यकाल पर हमारा नियंत्रण है। आदत नंबर चार, वह करिए जो आपको पसंद हो। दिन में कम से कम 1 घंटा कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, जैसे खेलना, संगीत सुनना या लिखना। ऐसे कार्य आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपको रिचार्ज कर देते हैं। अगर संभव हो तो हमें अपने करियर को इसी दिशा में मोड़ देना चाहिए। हमें अपना करियर उसी क्षेत्र में बनाना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। अगर हम ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। पहला यह कि अपने कार्य क्षेत्र को बदल दें और करियर उस क्षेत्र में बनाएं जिसमें हमारी रुचि हो, और दूसरी कि अगर ऐसा संभव ना हो सके तो वर्तमान कार्य को अपनी रुचि बना लें। अगर हम दोनों में से एक भी विकल्प नहीं अपनाते और ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, इस कारण से हम कभी भी अपना 100% नहीं दे पाते और ज़्यादातर समय बर्बाद कर रहे होते हैं। अगर आप वाकई में इन आदतों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए अगले 15 दिनों में बदलाव देखेंगे।